नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों जय माता दी। दोस्तों हाथों में पेशा संभाल नहीं पाओगे। जी दोस्तों, यह घटना आने वाले 24 घंटों के अंदर आप सभी की जुनकाल पर 100% सटीक घटना है। यह दोस्तों होकर रहेगा। जी दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि अंतरिक्ष में होने वाले जो ग्रहों में बदलाव होते हैं, वह हमारे जुनकाल में बहुत ही अच्छे अच्छे बदलाव करते हैं। और जब अंतरिक्ष में ग्रहों का परिवर्तन होता है तो दोस्तों ऐसे योगों का निर्माण होता है जो कि हमारे कुंडली पर शुभ और अशुभ प्रभाव डालते हैं। और दोस्तों आने वाले 24 घंटों के अंदर ग्रहों की कुछ ऐसी स्थिति बनने वाली है कि आपको धन की बहुत ही ज़्यादा प्राप्ति होने वाली है। यूँ कहें तो आपकी कुंडली में धन की आवक बढ़ने वाली है। तो दोस्तों यह पेशा आपको कौन से क्षेत्र में मिलने वाले हैं अगले 24 घंटों के अंदर, इस वीडियो में वह सभी जानकारियां हम आपको बताने वाले हैं। किस प्रकार मिलने वाले हैं, इनके लिए आपको कौन कौन सी महत्वपूर्ण सावधानियां भी रखनी होंगी, साथ ही कौन कौन सी चीज़ आपको ध्यान में भी रखने होंगे। इसके उपरांत दोस्तों आने वाले 24 घंटों के अंदर आपके घर के माहौल में, पारिजन में, प्रत्येक क्षेत्र में या ग्रहों की स्थिति कौन कौन से बड़े बदलाव करने वाले हैं। दोस्तों सभी जानकारियां बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, ग्रह गोचर पर निर्मित है। तो दोस्तों अंत तक देखिएगा। हम आप सभी को बताते हैं कि इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे कार्य बताएंगे जिन्हें अगर आप करेंगे तो दोस्तों यह धन की प्राप्ति आपके जुनकाल में 100% होंगी। साथ ही कुछ ऐसे उपाय भी बताएंगे जिन्हें दोस्तों आप करेंगे तो आपका जीवन बहुत ही उत्तम हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, तो आए दोस्तों बात करते हैं सर्वप्रथम दोस्तों जो भी माँ लक्ष्मी के सच्चे भक्त इस वीडियो को देख रहे हैं दोस्तों, तो दोस्तों वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय माँ लक्ष्मी लिख दें। माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद आप सभी को प्राप्त होगा। जी हाँ दोस्तों, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें क्योंकि दोस्तों वीडियो देखने के बाद आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। तो दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो आइए दोस्तों बात करते हैं, शुरुआत करते हैं भगवान श्री कृष्ण के एक बहुत ही अच्छे ज्ञान से। जी हाँ दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मंदिर तक पहुंचना तन का विषय है लेकिन ईश्वर तक पहुंचना मन का विषय है। इसलिए अपने जुनकाल में जब भी खुशियां आए, जब भी दुख आए तो मन से, हृदय से राधे राधे अवश्य बोलिएगा। यकीन कीजिए आपके जुनकाल की हम परेशानियां हर लेंगे। तो दोस्तों भगवान श्री कृष्ण का यह ज्ञान आपको कैसा लगा, अच्छा लगा तो दोस्तों वीडियो को एक लाइक जरूर करें और इनके लिए कमेंट बॉक्स में लिख दें जय श्री कृष्णा राधे राधे। तो आइए दोस्तों सके साथ बात करते हैं कि अगले 24 घंटों के अंदर आखिर ऐसी कौन सी ग्रहों की स्थिति बनने वाली है कि आपको अचानक से इतने धन की प्राप्ति होगी कि आप संभाल नहीं पाएंगे। जी दोस्तों, हम आप शिव को बताते हैं कि यह धन की प्राप्ति तो आपके जुनकाल में अवश्य होगी, चाहे वो आपको कार्य क्षेत्र में हो, बिजनेस व्यापार में हो, प्रेम जीवन से संबंधित हो, किसी न किसी क्षेत्र में आपको यह धन की प्राप्ति होकर रहेगी। तो हर क्षेत्र के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। जय दोस्तों, तो आइए दोस्तों बात करते हैं। दोस्तों आने वाले 24 घंटों के अंदर ग्रहों की बहुत ही शुभ स्थिति बनने वाली है और ये ग्रह आपकी राशि के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभकारी साबित होने वाली है। हम आप सभी को बता दें कि आने वाले 24 घंटों के अंदर घर की सुख सुविधा संबंधी वस्तुओं की खरीदारी में खुशनुमा दिन व्यतीत होगा। बहुत ही धन लाभ की आपको प्राप्ति होने वाली है। विशिष्ट लोगों से मुलाकात फायदेमंद साबित होगी। किसी विशेष मुद्दे पर या शुमे अगले 24 घंटों के अंदर विचार विमर्श होगा और किसी खास नतीजे पर भी पहुंचेंगे जो कि दोस्तों आपके लिए बहुत ही ज़्यादा लाभकारी साबित होंगे। इसके उपरांत ही दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि आपके लिए जो समय होंगे, आपके अगले दैनिक दिनचर्या के लिए जो समय होंगे, फाइनेंस संबंधी कोई मन मुताबिक जो तरीके हैं उनसे संपन्न होते जाएंगे। आर्थिक स्थिति भी यश में बेहतर होगी। परिवार के किसी सदस्य के विवाह संबंधी बातचीत हो सकती है और वह सफल भी होगी। घर में रिश्तेदारों के आगमन से चहल पहल का माहौल होगा और खुशियों भी आपके साथ लेकर आएंगे। इसके उपरांत दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि अगले 24 घंटों के अंदर धन की आवक तो बढ़ेगी और वह आपके जीवन काल पर होंगी। हम आप सभी को बता दें कि दूसरों की सलाह पर निर्भर रहने की बजाय अपने निर्णय को यश में प्राथमिकता दें। दोस्तों हो सकता है इनसे ही आपके जुनकाल में धन की आवक बढ़ जाए। यही कार्य है जिन्हें करेंगे तो दोस्तों आपको अचानक से बहुत ही बड़े धन प्राप्त हो। तो दोस्तों इन बातों का आप अगले 24 घंटों के अंदर ध्यान रखें। इसके उपरांत आप सुचारू रूप से अपने कार्यों को अंजाम भी दे पाएंगे क्योंकि ग्रहों की स्थिति बहुत ही लाभकारी है आप सभी के लिए।
हम आप सभी को बता दें कि दोस्तों अपने सपने और महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने का समय होगा और यश में अगर आप बातों का ध्यान रखेंगे तो कर भी पाएंगे। पूरे मनोयोग से अपने कार्यों के प्रति समर्पित रहें। भगवान का आशीर्वाद आपके साथ होगा। बल बस आपको मन को साफ रखना है और ईश्वर पर यकीन करके आपको अच्छे कर्म करते जाना है। जी दोस्तों, इसको प्रांतीय ग्रह स्थिति आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अनुकूल होगी। दोपहर के बाद मेहनत के उचित परिणाम आपको हासिल होंगे और कर्म प्रधान तो होना तय है। और दोस्तों, आप अपनी ऊर्जा और क्षमता को पहचानें और उनका प्रयोग करें। यहाँ भी आपको धन की प्राप्ति हो सकती है। प्रॉपर्टी की खरीदारी संबंधी कोई योजना बनाई है तो दोस्तों यश में उनकी फलीभूत होने का समय है। इसके उपरांत दोस्तों आपके लिए जो समय होंगे अगले 24 घंटों के अंदर, दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि जो आपका समय होगा, जो आपका दिन होगा, सुकून भरा व्यतीत होने वाले हैं। धार्मिक अथवा आध्यात्मिक गतिविधियों में आपका रुझान बढ़ेगा तथा सेवा संबंधी कार्यों में भी योगदान रहेगा। दोस्तों योगदान दें क्योंकि आपको इनसे भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होगा। भक्ति भाव से जुड़े रहेंगे और दोस्तों इनसे आपके जीवन काल में बहुत ही पॉजिटिव ऊर्जाएं आएंगी। तो दोस्तों जितना हो सके गरीबों में, अपने से नीच वर्ग व्यक्तियों में कुछ ना कुछ जरूर दान करें। इसके उपरांत दोस्तों आपको बता दें कि आपके अपने व्यक्तिगत कार्य भी पारिवारिक सदस्यों की मदद से काफ़ी हद तक पूरे होंगे। दोस्तों यश में परिवार के साथ मिलकर चलें। हो सकता है कि परिवार के किसी सदस्य आपको कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी दे जो कि अगले 24 घंटों में आपको इतना धन दे सकता है जो कि आप संभाल नहीं पाएंगे। तो दोस्तों आगे भी वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि दोस्तों बहुत सी ऐसी बातें हैं जिनमें आपको अचानक धन की प्राप्ति हो सकती है। तो आइए दोस्तों बात करते हैं। दोस्तों पिछले कुछ रुके हुए कार्यों पर भी यश में अधिक समय व्यतीत करें। हो सकता है वर्ष में भी आपको कुछ ऐसे ज्ञान मिल सक जाए क्योंकि दोस्तों उन कार्यों के पूरे होने की संभावना है और यश में भी आपको धन की प्राप्ति हो सकती है। किसी नजदीकी व्यक्ति के साथ चल रही गलतफहमियां भी आपसे सामंजस्य से दूर हो जाएंगे और पुनः आपका जो संबंध है उस व्यक्ति के साथ मधुर हो जाएगा। इसके उपरांत दोस्तों कोई विवादित संपत्ति का मामला है तो किसी अनुभवी व्यक्ति के सहयोग से संपन्न होने की उचित संभावना भी है। बच्चे की शिक्षा व फिर करियर से संबंधित कोई महत्वपूर्ण कार्य भी किसी प्रभावशाली व्यक्ति की मदद से संपन्न हो जाएगा जिससे काफ़ी हद तक तनाव मुक्त होंगे और आपके जीवन काल में आपको खुशी की अनुभूति यश में देने वाली है। जी दोस्तों, इसके उपरांत आपको बता दें कि आप अपने जीवन काल की जो शुरुआत है वह बहुत ही महत्वपूर्ण कामकाज संबंधी रूपरेखा बना कर लें। जी दोस्तों ध्यान रखिए कि अपने जीवन काल को अगर आप सही दिशा में लेके जाएंगे तो दोस्तों आपको सफलता प्राप्त करने में बहुत ही आसानी होगी। तो खासकर अपने दिन के शेड्यूल को ध्यान में रखें क्योंकि दोस्तों दोपहर के बाद परिस्थितियां कुछ अनुकूल बनेगी। इस उत्तम समय का उपयोग आप बहुत ही ध्यान से करें। घर के नवीकरण या फिर सुधार संबंधी कार्यों पर विचार विमर्श हो सकता है, ये आपके लिए बहुत ही अच्छा समय होगा। इसके बाद दोस्तों वाहन या फिर कोई मूल्यवान वस्तु खरीदने का विचार बन रहा है तो दोस्तों दिन आपके लिए अति शुभ होगा। मेहमान नवाजी में भी समय व्यतीत होगा तथा घर में आए लोगों के साथ महत्वपूर्ण मुद्दे पर विचार विमर्श भी हो सकता है। विद्यार्थी अपने पढ़ाई के प्रति सजग रहें क्योंकि आपके लिए बहुत ही मेहनत भरा समय होगा। इसके बाद दोस्तों मैं आप सभी को बता दें कि निवेश संबंधी फायदेमंद योजनाएं बनेंगी। अधिकतर कार्य समय के अनुसार पूरे होते जाएंगे। साथ ही आपको बता दें कि आप अपने व्यक्तिगत रुचि संबंधी कार्यों में भी अपना समय व्यतीत करेंगे। इससे दोस्तों आपको मानसिक शांति और सुकून मिलेगा। दोस्तों ध्यान रहे, धन की प्राप्ति आपको कोई भी जगह हो सकती है, बशर्ते आपको सभी बातों को ध्यान में रखना होगा। ये दोस्तों आगे बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है तो दोस्तों आगे भी आप हमारे साथ बने रहिएगा। दोस्तों आपको बता दें कि 24 घंटों की है अंदर सोसाइटी अथवा सामाजिक गतिविधियों में आपकी उपस्थिति रहेगी तथा संपर्क का दायरा भी बढ़ेगा। दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, अचानक किसी के साथ अगर आपके संपर्क का दायरा बढ़ रहा है, हो सकता है दोस्तों उस व्यक्ति के ही साथ आपका भविष्य बदल जाए और दोस्तों ये व्यक्ति भविष्य में आपके लिए व्यावसायिक रूप से फायदेमंद साबित होगा। यानी कि दोस्तों धन से जुड़ी जो भी कार्य है वह बढ़ेंगे और धन की आवक बढ़ेगा। दोस्तों अगले 24 घंटों के अंदर समय और भाग्य दोनों आपके आत्मविश्वास आत्मबल को और अधिक प्रबल कर रहे हैं तो दोस्तों समय को बिल्कुल ही जायज ना करें और इन सभी बातों का ध्यान रखें। दोस्तों यश में आपको कौन सी महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना है
दोस्तों आपको बता दें कि यश में किसी को पैसा उधार देने की स्थिति बन रही है, तो उससे पहले दोस्तों वापसी की सुनिश्चित कर लें कि यह व्यक्ति आपको पैसा वापस दे सकता है या फिर नहीं। क्यों दोस्तों, ऐसे बिना सोचे समझे आप किसी भी व्यक्ति को पैसा दे देते हैं तो दोस्तों पैसा फंसने की संभावना बनती है और धन की आवक आपकी चली जाएगी। तो दोस्तों अगले 24 घंटों के अंदर धन की आवक आपकी अच्छी है तो धन बढ़ाने के बारे में सोचें, ना कि घटाने के बारे में। शादी दोस्तों ध्यान रखें कि दूसरे के मामले में हस्तक्षेप ना करें और ना ही बिन मांगे सलाह दें, अन्यथा दोस्तों किसी के द्वारा आपकी मान हानि हो सकती है। इसलिए किसी के पचड़े में ना पड़े, अपने जीवनकाल में कार्य को करते रहें। और साथ ही साथ दोस्तों यह उपाय बता दें कि कुछ ना कुछ हो सके अपने जीवनकाल में, जो आपसे नीच पर के व्यक्ति है उनका जो सम्मान जरूर करें, दान जरूर करें। दोस्तों ये आपके लिए आपको आगे बढ़ाने का बहुत ही बड़ा मंत्र है। तो दोस्तों अगर आपको हमारी यह बात पसंद आई हो या वीडियो पसंद आया तो दोस्तों वीडियो को एक लाइक कर दें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।